हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं सदन के बाहर भी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर। और अब इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात तो मैं देख रहा हूं कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं इस बात को लेकर के आज ये आरोप लगा रहा हूं, नेताओं की आदत झूठ बोलने की तो सत्ता पक्ष के है ही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं चाहे कोई और नेता है। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर के हूं कि जवाब सदन के अंदर दिया जा रहा है और उस जवाब को बनाने वाले अधिकारी होते हैं। अधिकारियों को तो कम से कम जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं, उन पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर बनता है या किसी डिस्कशन का उत्तर अगर दिया जाता है तो वो अधिकारियों के माध्यम से बनाया जाता है। तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मैं देख रहा हूं। अधिकारी भी नेताओं की तरह ही उन नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर जो है वो चल करके जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, यानी कि सदन को गुमराह करने की सारी हदें पार कर दी है। देखिये, कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुरूप मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, और अभी 20 महीने का छोटा सा कार्यकाल इनका पूरा हुआ और 20 महीने के अंदर ही कर्मचारी जो है वो काले बिल्ले लगा करके जो है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारी, वहां के जितने भी जो उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सुनने के लिए भी अब मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर अगर नौकरियां सबसे ज्यादा दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने दी। जब हम सत्ता में थे तो शुरू के दौर में मैंने इस बात को देखा कि इसमें जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स का जो प्रोविजन किया गया है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और उसमें हमने किए भी। पहले तो नियम यह था कि 50 साल तक कोई आदमी किसी की, अगर कर्मचारी की अगर मृत्यु होती तो उसके परिवार को नौकरी की पात्रता रहती थी, लेकिन 50 वर्ष के बाद कोई मर जाता तो उसकी पात्रता ही समाप्त हो जाती थी। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने कहा कि ये तो अमानवीय सोच है एक तरह की, आदमी की मौत, जिंदगी जो है वो आदमी के हाथ में नहीं है, और इसलिए हमने तय किया कि 58 साल तक कर्मचारी अंतिम सर्विंग डे भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो नौकरी के लिए पात्र होगा।